हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस आर्ट चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा सहयोग कर रहे होंगे। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और जरूर देखें, और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए। आज का मेरा जो वीडियो होगा वाटर कलर पे होगी, और वाटर कलर पेपर पे जो बनाएंगे पेंटिंग, तो आप वीडियो देखिए, वीडियो से कुछ सीखिए। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई स्केचिंग करते हैं तो 100% आप पूरा 100% आप सेम टू सेम बनाने की कोशिश ना करें। आप अपना कॉन्फिडेंट के हिसाब से जैसा मन वैसा बनाते जाइए। आप धीरे धीरे स्केचिंग करना अच्छा से सीख जाएंगे। आप एक ही बार में स्केचिंग करना नहीं सीखेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 100% नहीं तो 80%, 60%, 70% आप जितना भी हो सके अपना फिगर आउट कीजिए और उसको अच्छा से स्केचिंग कीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100% आप कोई भी चीज़ से अगर कॉपी कर रहे हैं या अपना इमेजिनेशन से कर रहे हैं तो आप पूरा 100% आपको सेम टू सेम दिखाना ज़रूरी है। आप अपना हिसाब से कीजिए और कोई भी स्केचिंग कर रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंट के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि डर डर के कर रहे, डर डर के करेंगे तो आपका स्केचिंग में, आपका ड्राइंग में फ्लो नहीं आएगा, जिसके कारण आपका ड्राइंग में साइन नहीं आएगा। तो आपसे मेरा यही कहना रहेगा कि कोई भी स्केचिंग कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। फ्रेंड्स, अगर बात करें कलर करने का, तो वाटर कलर हमेशा लाइट से डार्क की ओर जाते हैं। पहले हम ऊपर की ओर लाइट कलर मारेंगे, स्काई में जो कलर रहेगा हम वो कलर मारेंगे। एक सबसे पहला लेयर एकदम लाइट, फिर उसके बाद उसी वेट इन वेट जो वास हम बताए थे उसी तरह वेट इन वेट वास में दूसरा कलर मिलाएंगे अगर दूसरा कलर है तो, और उसको हम धीरे धीरे नीचे की ओर स्प्रेड करते जाएंगे ब्रश की सहायता से। और जो हमारे दूसरी कलर होगी तो उसका अगर ज़्यादा डार्क है तो उसको हम लोग दूसरा तीसरा लेयर में, जैसे डार्क कलर ब्लैक ब्लू, ये सब हमारे डार्क कलर है तो ये सब कलर हम लोग बाद में डालेंगे। सबसे पहले जो लाइट कलर होता है, लाइट कलर को हम लोग सबसे पहले उसको दे के ख़त्म कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर इमेज की बात करें तो हमेशा कोई भी इमेज हो उसमें दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा, दूर का ऑब्जेक्ट हमेशा लाइट दिखेगा, धुंधला टाइप का दिखेगा। और जैसे जैसे हमारे सामने की जो चीज़ होगा, सामने में जो कुछ भी चीज़ रहेगा वो हम लोग का डिटेलिंग में होगा, वो क्लियर दिखेगा। तो जो सामने का चीज़ होगा वो सब डार्क होगा हम लोग का और क्लियर दिखेगा, और दूर का चीज़ होगा जो हम लोग को डिटेल में दिखेगा नहीं वो एकदम लाइट या अब बोल सकते हैं धुंधला टाइप का दिखाने से ही हो गया। और सामने का जो चीज़ होगा उसको हमको डिटेलिंग में दिखाना होगा, क्योंकि सामने का चीज़ हम लोग को क्लियर दिखेगा। और इसी तरह अगर डार्क वैल्यू का बात करें तो सामने हम लोग का डार्क दिखेगा एकदम सामने, क्योंकि दूर में अगर फोकस रहता है तो सामने का चीज हम लोग का डार्क दिखता है।
फ्रेंड्स हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में पूरा डार्क हमें नहीं देना है। ब्लैक ही अगर देना है तो एक बार ब्लैक का लेयर दे दिए, वो सूख जाएगी, फिर उसके बाद दूसरा लेयर मारेंगे। अगर एक ही बार में पूरा ब्लैक दे देते हैं हार्ड कलर, तो फिर अगर हमको लाइट करने का होगा तो फिर हम लाइट कर नहीं सकते। इसीलिए हम लोग को धीरे धीरे लाइट से डार्क की ओर जाना है। देखिए कैसे बोट को बनाया जा रहा है, और बोट का जो निचला भाग होगा, बोट का निचला भाग में उसका शेडो होगा, और साथ ही साथ जो सामने में कुछ लकड़ियां है जो गाढ़ा हुआ है और जिससे बोट बांधा जाता है, वही सब है। तो देखिए आप ध्यान से, दोस्तों इस पेंटिंग में एक नदी है, नदी के उस पार में बहुत सारा मंदिरें हैं जहां लोग पूजा करने जाते हैं, और इस पार में इस पार से उस पार तक नाव जाती है, तो यही चीज़ दर्शा रही है पेंटिंग में। और आपको फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखेंगे और देखते रहेंगे। दोस्तों आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो में को वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।